Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, we have already completed up to question number 2. Today we are going to see what question number 3 is saying, okay? So question number 3 is saying, write each of the following as decimals. हर एक को आपको कैसे फॉर्म में लिखना है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है. तो ये वाला मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं ये वाला मेथड भी लेके चल रही थी. अब आपके लिए ईजी होगा इसे कन्वर्ट करना. तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. सो हियर इज इट्स फर्स्ट पार्ट, 20 + 6 + 3/10. तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम जो नॉन फ्रैक्शंस हैं, यानी जो फ्रैक्शन नहीं है, उनको एक साथ सॉल्व करेंगे, और जो फ्रैक्शन वाली अगर और दो टर्म होती हैं तो हम उन्हें एक साथ करते. फिर जब एक नॉन फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन बचेगा तब हम उन दोनों को आपस में करेंगे, जैसे हम माइनस प्लस के केस में कर रहे थे. ठीक है, तो चलिए जल्दी से करें. 20 + 6 विल बिकम 26. ओके, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है 3/10. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास न्यूमरेटर हमने एज इट इज़ लिख दिया, हमारे पास ज़ीरो सिर्फ एक है, तो हम एक डिजिट के बाद यानी 1 देन पॉइंट, एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट. ओके, अब जब ऐसे हमारे पास एक नॉन फ्रैक्शन और एक डेसिमल हमारे पास आ जाए तो हम एक दोनों को एक साथ लिख देंगे और वैल्यू क्या आ गई हमारी, 26.3. ओके, सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. सो इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. 300 + 30 + 3 + 3/10 + 3/100. तो 300 + 30 + 3 इनको हम पहले अलग ऐड करेंगे और इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे. पहले देखिए 300 + 30 + 3 कितना हो जाएगा, 333. 3/10 हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले हमने 3 लिखा, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट. फिर प्लस, इसमें क्या है, पहले हमने 3 लिखा ऊपर, अब दो ज़ीरोज़ हैं तो दो डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1. दूसरा डिजिट नहीं है तो हम खुद से क्या लगाएंगे, 0. 1, 2 पॉइंट. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे पहले. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 0.3, ये क्या हो गया, 0.33. ओके, तो ये हो गया 0.33. अब मेरे पास एक डेसिमल बिना, एक विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल आ गया, तो इन दोनों को मैं एक साथ अब लिख सकती हूँ. ओके, सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. लेट्स ट्राई इट्स वन मोर पार्ट, पार्ट डी करेंगे अब. ठीक है, 70 + 9 + 1/10 + 2/100 + 3/1000. पहले इन दोनों को ऐड कर लूँ, कितना हो गया, 70 + 9 = 79. अब एक ज़ीरो है तो 1 लिख लिया पहले, एक ही डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट. फिर हमने लिखा 2, दो ज़ीरोज़ हैं तो दो डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, दो डिजिट हमारे पास नहीं है तो हमने खुद से क्या लगा दिया, 0. 1, 2 पॉइंट. और हमने 3 उतारा, कितने ज़ीरोज़ हैं, 3. 1, 2, 3, तो तीन डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1, 2, 3 फिर पॉइंट. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को पहले ऐड, 0.1, 0.02, 0.003. इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल गया, 0.123. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0.123. अब एक विदाउट डेसिमल एक विद डेसिमल आ गया, अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकती हूँ. ओके, सो नेक्स्ट यू विल सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग. ओके, सो इट इज सेइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन. अब आपको डेसिमल को किस में शो करना है, फ्रैक्शन में शो करना है और रिड्यूस भी करना है. तो अभी मैं रिड्यूस करना नहीं सिखा रही, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो आप लोग ये वाला पार्ट क्वेश्चन का मत उतारिएगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, सिर्फ फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका. तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट 0.8 है हमारे पास. जैसे हम अभी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल में ला रहे थे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखकर, सेम ऐसे ही, बस उल्टा इसमें हमें क्या करना है कि हमने लिखा पहले क्या, 0.8, यहाँ से हमने पॉइंट हटाएंगे तो 1 के साथ पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, एक ही तो डिजिट है, तो एक ज़ीरो लग गया और क्या लिख देंगे, 8/10.
क्या किया हमने, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद वन लगाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, अगर यहाँ पे और 8 2 6 समथिंग होता है, जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोस लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए हमने क्या लगाया, एक ही जीरो लगाया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और क्लियर होगा। सेकंड पार्ट इज़ 1.75। तो 1.75 है तो मैं क्या करूँगी, पहले मैंने लिखा 1.75, यहाँ से क्या हटाया, पॉइंट हटाया, नीचे वन लगाया, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं, तो इन दोनों डिजिट की जगह फिर क्या लगा दिया, ज़ीरो। तो मेरे पास अब वैल्यू कितनी आ गई, पॉइंट हट गया है ना, तो ये अब वैल्यू क्या बन गई, 175/100। बहुत सारे लोग ये वाला वन गायब कर देते हैं, 75 छोड़ देते हैं, पूरी वैल्यू आ गई, बस अब पॉइंट हट गया, 175/100। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। एक पार्ट और देखेंगे हम इसका, 0.0125। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें, पहले हमने लिखा 0.0125, पॉइंट के पहले ज़ीरो ही है तो उससे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो क्या लगाया, वन। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी वैल्यू पॉइंट तो हट गया, अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो की अब कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये 125/10,000। ओके, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।